तो आइए जो है हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन हम लोग का क्या है। तो क्वेश्चन आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आप जो हम लोग किस चैप्टर से कर रहे हैं, तो हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन आपका डिफरेंशिएशन से है। इफ़ यक्स इक्वल टू ए साइन टू टी और वन प्लस कास टू टी, ठीक है ना। उसके बाद क्या है आपका, क्या है इफ यक्स इक्वल ए साइन टू टी ब्रैकेट में वन प्लस कास टू टी एंड वाई इक्वल टू बी कास टू टी ब्रैकेट वन माइनस कास टू टी, सो दैट डी बाई डी एक्स एट टी इक्वल फोर पर डी और डी एक्स की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ पे दिया है बी बाई फोर, ठीक है। फिर क्या आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एट टी इक्वल टू पाई बाई थ्री पे निकालना है, और पाई बाई फोर पर बी बाई ए दे रखा है और इसका नहीं पता है, निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन, तो आपका कुछ कट नहीं रहा ना, तो चलिए हम लोग देखिए लेते हैं। तो आप ध्यान से क्वेश्चन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप क्वेश्चन समझ जाएंगे। तो देखिए इसका सोल्यूशन क्या है लेते हैं। सबसे पहले हमको करना क्या है, डी एक्स अलग है डी वाई अलग है, तो डी एक्स का हम लोग अलग से डिफ्रेंशिएशन करेंगे, मतलब टी के रेस्पेक्ट में डी एक्स का डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो ये क्या हम लोग देख रहे हैं, ए को बाहर कर सकते हैं, ये क्या है ये फर्स्ट फंक्शन में आ जाएगा और इतना जो है सेकंड फंक्शन बन जाएगा, ठीक है, फर्स्ट सेकंड से होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले फर्स्ट को ऐसे लिख देंगे साइन टू टी, और सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे तो वन का क्या होगा जीरो हो जाएगा, और प्लस उसके बाद कास का कितना होगा, कास के यहाँ प्लस ना लिख के हम लिख देते हैं माइनस साइन टू टी हो जाएगा, और फिर टू थीटा का टू टी का करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो टू आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा इसका सिर्फ। अब उसके बाद प्लस लिखेंगे, अब क्या है ब्रैकेट वैसे लिखेंगे वन प्लस कास टू टी ऐसे लिख देंगे, और इस बार साइन टू का करेंगे, साइन का करेंगे तो पहले तो टू यहाँ लिख दे रहे हैं, साइन का हो जाएगा कास टू, ये हो गया हमारा कंप्लीट। किसका हुआ, तो इसका हो गया। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो डी वाई बाई डी डी एक्स अपान डी टी हो गया, तो हम लोग आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हम लोग मल्टीप्लाई इसका अगर इसमें करेंगे तो माइनस टू, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर टू टी, और प्लस इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा टू कास टू टी, और प्लस कितना होगा टू, एक मिनट यहाँ देखिएगा हमारा ये टू है, टू कास यहाँ पर हो जाएगी ये, और यहाँ पर हो जाएगा टू कास स्क्वायर टू टी, ठीक है, इतना आ गया। तो डी एक्स अपान डी टी इक्वल टू क्या होगा, तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से ये वाला जो वैल्यू है हम लोग का कास, अगर हम कामन कर लें ए यहाँ से कामन कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा टू, अगर कामन कर लेना तो ये कास स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर होगा, और कास स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर होता है कास टू थीटा, तो पहले से ही टू है इसलिए कितना होगा ये फोर टी बन जाएगा, और प्लस टू कास ये टू टी है ही, ऐसे ही रख देना, ठीक है, आया समझ में। तो आगे एक कंप्लीट हो गया, इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। चलिए हम लोग सेकंड वाले का करते हैं ऐसे। अब डी वाई बाई डी टी करेंगे, देखिए यहाँ उल्टा लिखा है, डी वाई बाई कितना है, मतलब इसमें जो है इसको फर्स्ट मान लेना है, इसको सेकंड मान लेना है, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, ए को बाहर कर देते हैं यहाँ से, बी को इस बार बाहर करना, देखिए बी को, तो बी यहाँ हो गया। अब उसका डिफरेंसेस सेम होगा, पहले कास टू टी को ऐसे लिख देना है, ठीक है, उसके बाद क्या करना देखिएगा, फिर उस वाले करना वन माइनस कास टू टी का, तो वन का जीरो हो जाएगा, सीधी बात है, और वहाँ कास का करेंगे माइनस आ जाएगा, तो माइनस में प्लस टू साइन टू टी हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे यहाँ पे प्लस ले लेना है, देखिए कैसे, ये वैसे लिख दिया, इसका जब करेंगे वन का जीरो होगा, कास का माइनस होता है तो माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पहले से प्लस हो गया और यहाँ पे साइन हो गया, फिर आगे प्लस। अब इसका करिए, हम लोग क्या करते हैं वन माइनस कास टू टी वैसे लिख देते हैं, और बाद में करेंगे कास इसका कर दे इसका, तो ये हो जाएगा कितना माइनस, और यहाँ हो जाएगा कास, यहाँ पे एक मिनट, पहले माइनस टू आएगा फिर साइन कितना होगा टू टी हो जाएगा, यहाँ पे इसका कंप्लीट हो गया ब्रैकेट क्लोज। कैसे, अब इस बार इसको ऐसे लिख दिया तो यहाँ पे, और साइन कास का करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, और टू चले कास का करेंगे माइनस साइन आएगा, टू थीटा का टू आ गया। अब अंदर मल्टीप्लाई इसमें भी कर दीजिए, डी वाई बाई डी एक्स डी टी इक्वल टू बी, तो आगे हो गया कितना, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना, तो इस बार
यहाँ पे साइन है ना, तो यहाँ पे साइन कास तो आना नहीं चाहिए, आएगा। देखिए क्या हुआ, ये इसका हम लोग ऐसे लिखें, अच्छा इसमें साइन कास है, उसमें कास कास है, ठीक है, तो जाने दीजिए जो है वो लिखिएगा। तो आपका हो जाएगा टू, एक तरह से टू लिखिए, फिर लिखिए साइन टू टी इंटू कास टू टी, ठीक है। उसके बाद यहाँ अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, जब यहाँ इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा टू साइन टू टी, और माइनस में प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा टू साइन टू टी इंटू कास टू टी। तो आपने क्या देखा, साइन टू थीटा का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ से आगे चलिए धराते हैं, साइन टू थीटा का जो फॉर्मूला होता है, उस साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है टू साइन थीटा इंटू कास थीटा। तो इसके हिसाब से हमारा डी वाई बाई डी टी की जो वैल्यू आएगी, यहाँ से हो जाएगी कितनी बी, और यहाँ पे वैल्यू आ गई, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन, अब ये फोर हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे हमारा कितना हो गया, यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा, तो टू बच गया, इसमें क्या करना है, अच्छा यहाँ से यहाँ जब ऐड करेंगे ना तो ये फोर आ जाएगा, तो यहाँ टू बच के कितना हो गया, कास नहीं साइन हो जाएगा, साइन फोर टी और माइनस टू साइन टू टी हो गया, ठीक है। कैसे देखिए, तो जब इसको ऐड करेंगे टू टू या फोर हो जाएगा, उस फोर में से टू हटा लिए और एक टू लेंगे तो ये मिलकर कितना होगा, साइन फोर टी हो जाएगा, और ये जैसे का वैसे है, ठीक है। अब क्या करना, हम लोग को लिखना है डी वाई बाई डी टी और अपान डी एक्स अपान डी टी, और जिसकी पूरी वैल्यू होगी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, मतलब डी वाई बाई डी टी में डी एक्स अपान डी टी से डिवाइड करना है, तो ये वैल्यू होगी यहाँ पे, और अगर टू साइन 40 माइनस टू साइन टू टी, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा a, और उधर से वैल्यू कितनी a की है, 2 cos 40, और यहाँ से प्लस कितना हो गया, तो cos 2t, ये इतना आ गया। अब हम लोग को करना है 2 कॉमन करके काट दीजिए और वैल्यू साथ में रखते हैं, तो यहाँ लिखिए dy बाई डी एक्स, और कंडीशन क्या है, यहाँ लिखिए t इक्वल टू पाई बाई फोर रख दीजिए, कितना है t इक्वल टू, यहाँ पे t इक्वल टू पाई बाई फोर रखना है, देखिए यहाँ पे गड़बड़ लग रहा है, t इक्वल टू कितना है मैं देख लेता हूँ एक बार, t इक्वल टू कितना रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए t इक्वल टू कितना रखना है, दिखे तब तो भाई बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है ना, इसलिए तो ये हो गया हम लोग का t इक्वल टू पाई बाई फोर रखना है, यहाँ कितना t इक्वल टू पाई बाई फोर रखने पे आना चाहिए इतना, तो अब पाई बाई फोर रखने का टाइम आ गया, तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए b बाई ए तो वैसे ही रहेगा, अलग कर दीजिए, अब देखिए ध्यान से, 2 यहाँ से कॉमन हुआ, 2 से यहाँ कट गया, अब यहाँ वैल्यू रखिए, जब हम लिखेंगे साइन, यहाँ पे t 4 पहले से है और यहाँ लिखेंगे पाई बाई फोर, ठीक है, फिर माइनस यहाँ पे कितना है साइन, यहाँ हो गया 2 इंटू पाई बाई फोर, यही ना होगा, और अपान यहाँ नीचे आइए 2 कास, यहाँ कितना होगा 4 पाई बाई फोर, उसके बाद यहाँ प्लस 2 कास, कितना हो जाएगा 2 इंटू पाई बाई फोर, ये इतना हो गया। आगे थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए, अब हम लोग करेंगे तो b बाई ए हो गया, यहाँ सॉल्व करिए, तो यहाँ से इसको काट देंगे, यहाँ से इसको काटेंगे, तो यहाँ से हम साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, माइनस यहाँ आगे साइन पाई बाई 2 बचा, तो इसका मतलब 1 हो गया, और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ इससे कटेगा तो ये 2 नहीं है, ये जब कास पाई की वैल्यू माइनस 1 होती है, और यहाँ जब इससे कट जाएगा ये भी 2 नहीं है, गलती से लिखा गया, तो ये कट गया पाई, और इसका 90 की वैल्यू प्लस 0 होती है, तो कुल मिला के देखिए आपको बी बाई ए मिल गया। तो हमने देखा जो हमारा आंसर है पहले का कितना है, तो b बाई ए आया जब t की वैल्यू पाई बाई फोर, मतलब हमने 45 रखा, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, b बाई फोर, ठीक है ना, तो आप देख लीजिए आराम से। तो देखिए अब इसके आगे सॉल्व करने के लिए हम लोग करना क्या पड़ेगा, थोड़ा सा तो इरेज करना ही पड़ेगा बच्चों,
तो देखिए हमको इरेज करना पड़ेगा, तो हम इरेज करेंगे भी। तो आप लोग देख लिए क्या करना था, कैसे सॉल्व करना। तो देखिए क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम लोग का आंसर इसका आ चुका है। अब हम इसी में वैल्यू रखेंगे, तो चलिए हम इरेज करते हैं। तो देखिएगा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और इसका डिफ्रेंसिएशन जो फाइनल है वही लेना है। तो हम लोग को यहाँ से इरेज करना, तो स्क्रीनशॉट ले ली। तो चलिए देखिए यहाँ से मैं इरेज करूँगा इतना हिस्सा। अब देखिएगा करना क्या, अब हम लोग करना क्या है, फिर से लिखना है डी वाई बाई डी एक्स, लिखना है टी इक्वल टू कितना लेना है, पाई बाई थ्री लेना है इसका, ठीक है, इक्वल टू। अब देखिए आपके पास वैल्यू क्या बच रहा है, आपके पास बच रहा है बी बाई ए, सबसे पहले क्या बच रहा है, बी बाई ए बच गया। और यहाँ पे आपको वैल्यू रखनी है, तो साइन ठीक है कितना हो जाएगा, 4 × π/3 माइनस 2 तो है नहीं यहाँ पे, है यहाँ पे नहीं, 2 है, कॉमन हो चुका ना, साइन 2 × π/3 दो जगह हो गया। अब इधर नीचे आ जाइए वैल्यू सॉल्व करने के लिए, फिर यहाँ लिखेंगे कास 4 × π/3 और प्लस कास 2 × π/3 ठीक है। आइए आगे सॉल्व कर लेते हैं, b बाई ए यहाँ पर हो गया, आगे क्या हो गया, b बाई ए, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए हम लोग का कितना आ जाएगा, 4π/3, 4π/3 होगा कितना, पाई बाई थ्री का मतलब कितना हो गया, 60 डिग्री, 60 × 4 कितना होगा, तो हमारा हो जाएगा यही ना, 60 × 4 240 हो गया। क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 240 साइन, 240 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 180 + 60 लिखेंगे, 180 + 60 ठीक है, फिर माइनस, फिर लिखेंगे साइन, यहाँ कितना हो गया, ये हो गया 30 डिग्री, 90 + 30 ऐसे लिखेंगे। आगे नीचे उतरिए, अब इसमें डिवाइड वाले में, फिर यहाँ हो गया कॉस, ये भी वही है, तो यहाँ लिखिए 180 + 60, फिर प्लस यहाँ लिखे साइन, और यहाँ नहीं, यहाँ कास है, कास, और यहाँ हो गया हमारा 90 + 30, यही वैल्यू आपको करनी है सॉल्व। अप तो बी बाई ए तो रहेगा ही रहेगा, आपको आगे बढ़िए। अब देखिए हम लोग जानते हैं क्या ए एस टी सी और सी टी एस से, ये हम लोग जानते हैं, दो चीज़ होता है। तो देखिए सब जगह प्लस है, सी टी एस से काम करेगा, तो हम लोग को यहाँ कितना 180 + 180 में ये देख रहे हैं, तो हम लोग का यहाँ पे जो होगा ये माइनस में आ जाएगा, कितना आएगा, माइनस कॉस आ जाएगा कितना, 60 डिग्री, और माइनस फिर यहाँ कितना हो जाएगा, सी में हम लोग साइन का कास, कास है तो माइनस साइन आएगा, तो साइन कितना आ जाएगा यहाँ पे, 30 डिग्री, फिर नीचे आ जाइए यहाँ पे, अब कितना यहाँ पे कास है तो साइन आएगा, साइन कितना हो जाएगा तो 60 डिग्री, और यहाँ पे प्लस है तो भी माइनस आएगा, नहीं यहाँ पे कास है तो साइन आ गया तो माइनस में आ गया क्योंकि इस वाले में चला गया, फिर यहाँ पे 90 + है तो इस बार माइनस आ जाएगा क्योंकि साइन में प्लस आता है और कास में क्या आएगा, माइनस आएगा, तो इसलिए यहाँ कितना आ गया हमारा, तो ये हो गया साइन कितना आ गया, 30 डिग्री ठीक है। ऊपर साइन है प्लस में कास होता है, पर नीचे कास है तो माइनस में साइन होता है। अब इसी को आगे आप सॉल्व कर लीजिए बी बाई ए, चलिए आगे क्या होता, देखिए कास की वैल्यू है हमारी 60 का मतलब 1/2, और साइन जो है नहीं, कास 60 की वैल्यू 1/2, साइन 30 की होती है, यहाँ 1/2 पहले से 30 दे रखा है, नीचे आ जाइए, कास 60 की वैल्यू होती है, साइन 60 की वैल्यू 3/2 होती है, और साइन 30 की वैल्यू इस बार कितनी हो गई, यहाँ पे दोनों, एक मिनट यहाँ चेंज हुआ, यहाँ साइन है, अच्छा एक मिनट, साइन का जो है साइन ही आता, देखिए भूल गया मैं, यहाँ साइन का साइन आएगा और यहाँ कास का जो है ये कास आता है, प्लस वाला थीटा है ना, प्लस में 180 में प्लस आएगा, साइन का साइन रहेगा, कास का कास रहेगा, और यहाँ साइन का जो है कास आ जाएगा, साइन का जो है यहाँ कितना हो जाएगा, तो यहाँ साइन का कास आ जाएगा, कास कितना होगा, 30 डिग्री आ जाएगा,
और यहाँ पे जो है कास है तो साइन यहाँ सही लिखा है। मतलब एक बार चेक कर लिए, 180 वाले में नहीं बदलेगा, माइनस तो आएगा ही, तो ये माइनस में आ गया और ये भी माइनस में आ गया। साइन साइन में है, कास कास में है, और यहाँ जब लेंगे तो कितना होगा, साइन 90 प्लस कितना है 30 है, तो साइन कास में बदलेगा, प्लस में रहेगा तो माइनस पहले, इसलिए माइनस में रहेगा, तो साइन कास में हो गया, और नीचे क्या कास है तो माइनस साइन, ठीक है। अब यहाँ पे ये गड़बड़ हो जाएगी, तो फिर से वैल्यू रखिए। चलिए तो वैल्यू क्या देखिए, साइन जो है 60 की वैल्यू होती है 3/2, और कास जो है 60 की वैल्यू जो होती है, कास 30 की वैल्यू भी यही होगी, 3/2 ही हो, क्योंकि ये भी क्या है, साइन 60 के बराबर है। कास 60 की वैल्यू 1/2 होती है और साइन जो है 30 की वैल्यू 1/2 होती है। बस इन्हीं को हमको सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना। ये सब माइनस, माइनस यहाँ से आया, माइनस यहाँ से, सब माइनस हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। अब हम लोग क्या लिखेंगे, b/a तो लिखेंगे ही, और इसको जब हम लोग लेंगे तो 2√3/2 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो ये हमारा इससे कट गया, तो हमारी जो वैल्यू आएगी √3b/a, ये हमारा आंसर आ गया। तो आप लोग दे √3b/a, तो आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए, तो आपको समझ में आ जाए क्या हमारा जो है, किस तरीके से हम लोग लगाएंगे तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है ना। आप लोग देख लिए ध्यान से क्या है, तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आसानी से कोई दिक्कत नहीं है। √3b/a तो हम लोग जब रखेंगे 60 की वैल्यू, मतलब जब रख देंगे थीटा की जगह 60, तो आंसर हमारा इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, आप स्क्रीन शॉट ले, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, स्क्रीन शॉट ले लीजिए। तो आइए जो है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सेकंड है, तो देखिएगा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे कर सकते हो, क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कम से कम ये सभी क्वेश्चन पेपर में 6-7 बार आ चुके, जो मैं करा रहा हूँ, कम से कम 6-7 साल तक आ चुके, तो मैं ईयर नहीं लिख रहा हूँ, इसलिए कितने, कम से कम 6-7 ईयर रिपीट कर चुके हैं, मतलब बार बार आए हुए, तो आप लोग इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ के करिएगा। तो देखिए क्या है, इफ कास वाई की वैल्यू जो कितनी, यक्स कास ए प्लस वाई, कितना, कास वाई की वैल्यू यक्स कास ए प्लस वाई है, देन प्रूफ दैट, तभी ये लाना, उसके बाद फिर अगेन दोबारा ये प्रूफ करना। तो चलिए सोल्यूशन लेते हैं और लाइए हम लोग आंसर की तरफ पहुँचते, क्या कैसे लाना, ठीक है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लिखेंगे cos y इक्वल टू x cos a प्लस वाई, ठीक है, x को अकेले करिए और cos को नीचे करिए यहाँ से, तो ये हो जाएगा cos y अपान, यहाँ कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा cos a प्लस वाई, यही आएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करिए, हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए, और इस बार x के नहीं y के रेस्पेक्ट में करिए, ठीक है, उल्टा, जैसे dx अपान dy अपान dx होता है, इसे dx अपान dy कर दीजिए। चलिए अब क्या करते हैं, इसमें देखिए हम लोग जानते हैं, पहले न्यूमरेटर को ऐसे ही लिखा जाता है, डिफ्रेंशिएशन डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को ऐसे लिखते हैं, न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, cos है तो माइनस साइन y होगा, ठीक है, और उसके बाद जो है फिर यहाँ पे साइन भी माइनस की आती है, उसके बाद cos y को ऐसे लिख देना है, और डिफ्रेंशिएशन डिनोमिनेटर का करेंगे इसका, तो जब इसका करेंगे ना तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस साइन, और ये होगा a प्लस वाई, यही आएगा, और कुछ आएगा नहीं, अपान जो है जो डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर कर देते हैं a प्लस वाई। सबसे पहले हम समझेंगे क्या, हम लोग जानते हैं कि जो डिनोमिनेटर को वैसे ही लिख देते हैं, न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन था, कास का क्या होगा, माइनस साइन हो जाएगा, फिर माइनस फॉर्मूले में होता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के लिए, इस बार क्या करना है, न्यूमरेटर को ऐसे लिखता है, डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन कर देना है, और यहाँ पे वैसे ही। चलिए आगे नेक्स्ट, तो डी एक्स अपान डी वाई को हम लोग और क्या सॉल्व कर सकते हैं, देखिएगा अगर हम माइनस कॉमन कर ले, मान लीजिए तो माइनस यहाँ से, तो ये देखिए ये माइनस, ये माइनस, आपने देखा ये क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है, तो ये जब प्लस हो जाएगा तो इसको पहले अब लिखेंगे, लिखेंगे साइन, ये वाला पहले लिखेंगे a प्लस वाई इंटू कास वाई, और यहाँ माइनस हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा कितना, कास a प्लस वाई इंटू साइन
भाई कोई दिक्कत नहीं, ये वाला प्लस हो गया पहले लिख, ये माइनस वाला पीछे लिख दिया, और अपान कितना होगा कास स्क्वायर ए प्लस वाई, फिर इक्वल टू डी एक्स अपान डी वाई। आगे देखिए यहाँ से हम लोग देख रहे हैं ये साइन ए प्लस बी का फॉर्म, साइन ए माइनस बी का फॉर्मला है, क्योंकि साइन ए कास बी, कास ए साइन बी, तो यहाँ लग जाएगा साइन ए प्लस वाई माइनस वाई अपान यहाँ पे कास स्क्वायर ए प्लस वाई, ये लग जाएगा। तो इसको इससे काट दिया हमने, ठीक है, क्या लग गया साइन ए माइनस वाई लग गया, तो ए की वैल्यू ए प्लस वाई है और बी की वैल्यू माइनस है, वाई से वाई कट गया तो ये बच गया। अब आगे हम लोग क्या लिखते हैं, फाइनली डी एक्स अपान डी वाई इज इक्वल टू आ गया साइन ए अपान कास स्क्वायर ए प्लस वाई। देखिए यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि पहला आंसर हमारा फर्स्ट वाला आ चुका, देखिए क्या आ रहा है आपका आंसर। अब इसको उल्टा कर दीजिए, इसको लिखिए डी वाई बाई डी एक्स, क्या लिखिए यहाँ पे क्या है डी एक्स अपन डी वाई, इसी को उल्टा कर दीजिए तो डी वाई बाई डी एक्स होगा। तो नीचे वाली वैल्यू जो है कास स्क्वायर ए प्लस वाई क्या हो गया, न्यूमरेटर्स डिनोमेटर्स न्यूमरेटर में चला गया और न्यूमरेटर में जो साइन ए था डिनोमेटर में आ गया। तो देखिए आपका आंसर मैच कर गया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए डिफ्रेंशिएट कर दिए डी एक्स मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में, उसके बाद उसको उल्टा कर दीजिए तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया और एक्स ये मिल गया। देखिए ये हमारा आंसर हो गया पहला वाला। अब यहाँ सेकंड की तरफ देखिए, ये देख रहा है डबल डिफ्रेंशिएशन है, मतलब इसी को एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा डी वाई बाई डी एक्स टू, एक बार और डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन तो करना है, ये कांस्टेंट है ये वाला, देखिए आप इसको उधर ले जा सकते हैं या नीचे छोड़ दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर में इसको रहने दीजिए ऐसे। इसका न्यूमरेटर का आपको डिफ्रेंशिएशन करना है, स्क्वायर है तो हम लोग जानते हैं स्क्वायर की वजह से टू आएगा, उसके बाद कास आएगा ए प्लस वाई आएगा, ये अल्जेब्रिक फंक्शन की वजह से हुआ, कास स्क्वायर का होगा टू कास ए प्लस वाई। अब कास का हम लोग जानते हैं कितना होगा, तो माइनस हो जाएगा साइन और यहाँ आएगा ए प्लस वाई, ठीक है, ये माइनस इसलिए मल्टीप्लाई साइन के साथ माइनस होगा ऐसा में, क्योंकि जब इसका थीटा का मतलब जब अलजेब्रिक का कर लेंगे पावर की वजह से, तो अब क्या करेंगे बेस का करें, तो ये बेस का कास ए प्लस वाई का कास का माइनस साइन ए वाई होगा। और आगे इसको इधर कर देते हैं, अब साइन नहीं यहाँ हो जाएगा साइन ए डी टू वाई अपान डी एक्स टू इक्वल टू। यहाँ पे आपने क्या देखा, अगर यहाँ हम लोग ध्यान से देखें माइनस किधर लिखेंगे कितना साइन ए प्लस वाई और कास ए प्लस वाई, तो इसमें अगर हम लोग देख ले अगर डी वाई अपान डी एक्स टू, तो यहाँ आप देखेंगे ना तो यहाँ पे आपका साइन टू ए दिख रहा होगा, तो ये माइनस कितना होगा साइन यहाँ टू हो गया ए प्लस वाई हो गया। अब इसका अच्छा एक बार और यहाँ जब करेंगे ना तो यहाँ पे एक डी वाई बाई डी एक्स बचा रहेगा, क्योंकि यहाँ इस बार फंक्शन का कर रहे हैं तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स बचा रहेगा, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स बचा रहेगा। अब इसको उधर ले चले जाए तो आपका मिल गया साइन ए डी टू वाई अपान डी एक्स टू और यहाँ पे माइनस है इसलिए प्लस हो जाएगा साइन, हाँ ठीक है, टू ए प्लस वाई और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। तो आपने देखा कि आपका आंसर आ चुका है, तो आपको समझ में भी आ गया होगा कि हमको क्या है क्वेश्चन इसी तरीके से करने हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप समझ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर उधर नहीं दिख रहा तो थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ, आपको डी वाई बाई डी एक्स लिखा कुछ नहीं है, तो आप लोग देख लिए कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से आप क्या करें क्वेश्चन करें तो आपको समझ में आए, तो आप स्क्रीनशॉट ले तुरंत ले लीजिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।